हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया एमुलेटर जिससे आप खेल सकते हैं सुपर मारियो ओवीओसी। हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना, सुपर मारियो ओवीओसी अब हम एंड्रॉयड डिवाइस में खेल सकते हैं। और मेरे को ये पता लगी है यहाँ से दोस्तों, ये मैंने नई नई वीडियो देखी है इनों की, और आपको इनका चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए। ये इसी एमुलेटर के बारे में शायद बनाते हैं वीडियो, मेरे को ज़्यादा पता नहीं है। अगर आपको देख लें आप इस इनका नाम पढ़ रहे हो और आप जरूर डाउन, और नाम भी यही है जो एमुलेटर का नाम है, और आपको ये एमुलेटर आसानी से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। मैंने इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कराया, मैं इसका लिंक आपको दे दूँगा, और आप इससे ओवीओसी खेल सकते हैं अपने एंड्रॉयड डिवाइस में। मतलब कमाल है दोस्तों, कमाल। यहीं पर आ जाएगा ये रहा, ये 97 MB का है, ये देख सकते हैं अपना दोस्तों, 97 MB का है ये, और इसे मैंने डाउनलोड कर लिया है। एंजॉय द स्विच वी यू गेम एंड्रॉयड फ़ोन। तो दोस्तों ये चलता है क्लाउड गेम, अगर आपने गेम खेली है क्लाउड की, क्लाउड गेमर वाले जो नेट से चलती हैं, बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है, नेट से चलता है। लेकिन इसमें बहुत अभी इसका अपडेट नहीं आया, तो इसलिए बहुत अटक रह के चलता है दोस्तों। ये बहुत टाइम लेता है, यहाँ पर इस समय ये टाइम लेगा क्योंकि ये टेस्टिंग लेगा, और इसमें कोई टाइमिंग नहीं है कि आप भैया पैसे दे के इतनी देर खेलेंगे और बिना पैसे दिए इतनी देर खेलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। आप इसमें जितनी देर चाहे उतनी देर खेल सकते हैं, लेकिन आपके पास होना चाहिए नेट पाड़ू। यानी कि दोस्तों मेरे फ़ोन में है इस वक्त 2 MBPS का बस। अगर आपके पास 2 MBPS से 5 MBPS 10 MBPS, आजकल तो लोग वाईफाई से बहुत MBPS चलाते हैं, मेरे दोस्त के पास एक के पास 35 MBPS, तो भाई ये तो बहुत ही बढ़िया ऐप है। अगर आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आप इसे खेल सकते हैं सुपर मारियो ओबीओसी एंड्रॉइड डिवाइस में। और मैं आपको अभी इसकी टेस्टिंग दिखा देता हूँ, बस ये स्टार्ट होने वाला है, थोड़ी मैं बकबक करूँगा आपके साथ और ये स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे नए नए एमुलेटर आपको लेके आता रहूँगा। ये बस स्टार्ट होने वाला है, और आप थोड़ी स्किप कर सकते हैं वीडियो चाहे तो। ये है देखते हैं, मैंने भी इसे अभी अभी इंस्टॉल करा, मैं तो भाई बहुत ही खुश हुआ इसे इंस्टॉल करके, और इसे चला के देखते हैं कि ये कैसा है। मैंने अभी तक इसे चलाया नहीं है, बस अभी तक इतना स्टार्ट करा था, इसके बाद ही स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद गेम प्ले नहीं करी मैंने इसकी। अब यहाँ पर ऑप्शन आया है स्विच, बूट स्विच, इस पर यहाँ पर दो बार क्लिक करना है हमें, एक एविट आ जाएगी, ये एड स्किप करते ही अब हमारा बूटिंग स्टार्ट, और ये रिलीज़ हो गया है बूट, और ये स्विच चालू, और ये हमारी गेम है, इस पर जो अपलोड हुई हुई है वो यहाँ पर दिख रही है हमें, 1 2 3 4 5 गेम इस पर हैं अभी जो हम आसानी से खेल सकते हैं, और बाकी गेमें ख़रीदने के लिए आपको जाना पड़ेगा अलग वेबसाइट पे। यहाँ पर लिखा रहा है, यहाँ पर शॉप का ऑप्शन है, देखिए दो सो इंटेंडो शॉप, यहाँ से आप अलग गेम में खेल सकते हैं, लेकिन हम प्ले करेंगे अब सुपर मारियो ओबीओसी, और ये मैंने क्लिक कर दिया है, और ये कुछ ऐसे आ रहा है। यहाँ पर फिर से एक ऐड, यहाँ लिखा है ट्राई प्लेइंग द, और यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन आ गया है, हमें यहाँ पर दो बार क्लिक करना है, और ये स्टार्ट हो गई। अब ये फिर से लोडिंग लेगी, देखते हैं ये अब के बाद चलेगी नहीं चलेगी। दोस्तों अगर आपके पास बढ़िया MBPS का है तो ये पक्की आपके फ़ोन में चलेगी, और ये फ्री है अभी प्ले स्टोर पे, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, और आप फ्री में इसे खेल सकते हैं कितनी देर। तो जल्दी से जाइए और जल्दी से डाउनलोड करके मेरे को बताइए कि आप इससे कैसे इन्जॉय कर रहे हैं, ज़रूर कमेंट में लिखना मत भूलना दोस्तों।
क्योंकि मैं तो खेल नहीं सकता, मेरे पास नेट नहीं है इतना तेज, लेकिन आप खेल सकते हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस एमुलेटर को यूज़ करके। ये स्टार्ट होने वाली है भाई, ये बड़ा वेट करा रही है, बहुत वेट करा। भाई कब हुई की है पता नहीं भाई, पता नहीं। ये क्या, मैं अपने आप से बात करूँ? यहाँ पे लगता है कुछ बात है। बहुत ही टाइम लेता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रही है दोस्तों। आप इसे आगे स्किप कर सकते हैं, पता नहीं अभी तक ये चालू हो गई है, ये हमारी स्टेज खुल गई है यहाँ पर। ये कुछ लगता है ये गेम प्रोसेस मेरे फ़ोन से ही हो रही है, क्योंकि वीडियो तो कभी ऐसे चलती नहीं है। देखा आपने वीडियो चलती हुई? और ये यहाँ पर आ गया, द सॉफ्टवेयर वाज क्रैश्ड बिकॉज अन एरो ऑक्युर्ड। दोस्तों लगता है नेट की वजह से आ रही है, मेरे ख्याल से नेट की वजह से आ रही है, नेट हमारा बड़ा स्लो है। और मैं अब कुछ नहीं कर सकता, इसे ओके करके हटा सकता हूँ। और ये हट चुका है दोस्तों, अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे